दोस्तों कल्पना सोरेन उस बब्बर शेर की शेरनी पत्नी है जो ना कभी बीजेपी के सामने झुका था ना कभी झुकेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल्पना सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन की धर्म पत्नी कल्पना सोरेन के बारे में। कल्पना सोरेन इन दिनों गांडे विधानसभा में चिलचिलाते धूप में अपने समर्थकों के बीच खड़े होकर के अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं या अपने पार्टी के समर्थकों के बीच खड़े होकर के किस तरह से चुनाव जीत सकते हैं हम लोग और किस तरह से हम लोग बीजेपी के षड्यंत्र से बच सकते हैं, यही चीज कल्पना सोरेन अभी लोगों को समझा रही है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, देखेंगे कि आखिर कल्पना सोरेन इस 42 डिग्री 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी किस तरह अपने समर्थकों के बीच चिलचिलाती धूप में खड़े होकर के अपने समर्थकों को समझा रही है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना सोरेन इन दिनों गांडे विधानसभा में पूरे महिलाओं के दिलों में, पूरे बोल सकते हैं कि पूरे वोटर्स के दिलों में जगह बना चुके हैं। राजनीतिक में कदम रखते ही कल्पना सोरेन ने अपने एक बोल सकते हैं उनके जो बोलने का तरीका, उनके जो भाषण करने का तरीका लोगों को दिलों को छू चुके हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्पना सोरेन आने वाले दिनों में कितने प्रभावी होंगे लोगों पर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले वो वीडियो क्लिप देखते हैं जहां कल्पना सोरेन चिलचिलाती धूप में अपने समर्थकों के बीच अपने समर्थकों को समझाते हुए कुछ कहते हैं। तो चलिए वो वीडियो क्लिप देख लेते हैं। सालों के बाद ऐसा हुआ है कि मुझे अपना परिवार छोड़ करके आप लोगों के पास आना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं खुशी भी है और थोड़ा सा ये तकलीफ भी रहता है कि घर में बच्चे भी हैं, पीछे में माँ पिताजी भी हैं, उनको छोड़ करके आना है। लेकिन आप लोगों का ये उत्साह देख करके मुझे ये बहुत ज्यादा हर्ष हो रहा है कि जितने भी हमारी महिलाएं बहने हैं और आप लोग जिस तरीके से मेरा स्वागत कर रहे हैं, ये चुनाव तो बस एक दौर है, ये भी पार हो जाएगा, लेकिन एक जो परिवार का जुड़ाव है, जो आप लोग जुड़ करके मेरा मान बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और ये चुनाव आप सभी को ये आशीर्वाद मुझे देना होगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक संघर्ष की है और ये संघर्ष का समय। और मैं भी पहली बार 17-18 साल के बाद पहली बार एक सार्वजनिक जीवन जी रही हूँ और आप लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप लोग मेरी इस लड़ाई में साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। और ये हम लोगों को, बीजेपी को ये अब करारा जवाब देना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे अपने लोगों का पार्टी है, झारखंड के लोगों का पार्टी है। और झारखंड का जो ये बेटा जो अभी जेल में भेज दिया इन लोगों ने, अब ये आप लोगों के लिए पहले से भी काम करता आ रहा है, पिछले 4 वर्षों में काम किया है और हम लोगों को, सब लोगों को मजबूती प्रदान कर रहा है, बूढ़ों का लाठी बन करके पेंशन दे रहा है, घर दे रहा है। और आपका आशीर्वाद मैं ये चाहूंगी कि इस चुनाव में दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, फुल सपोर्ट। तो हम लोग सब साथ में बोलेंगे, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, विषम गुरु शिबू सोरेन, विषम गुरु शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जय झारखंड, लेकिन आज मैं आपके सामने प्रत्याशी के रूप में नहीं, आपकी बेटी के रूप में आपके सामने मैं आई हूँ। तो क्या आप मुझे बेटी जैसा प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिएगा? दीजिएगा जोर से। मुझे लगता है कि जिस तरीके का आप लोगों का उत्साह है, यहाँ पे महिलाएं बच्चे वहाँ छत पे खड़े हैं, आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, अब मुखिया जी भी यहाँ पर में है और देख करके सबसे अच्छा लग रहा है कि मुखिया भी एक महिला है। तो ये देख के बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि जितनी भी हमारी महिलाएं, दीदी हैं, पीछे में हैं वहाँ पर में और भाई लोग सामने में खड़े हैं, आप
आप लोगों का ये जोशीला अंदाज, ये जोशीला स्वागत देख करके मुझे लग रहा है कि आप अपनी जितनी भी आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं, आपकी आकांक्षाएं हैं, जो मुझसे आप रखना चाहते हैं, मुझे लगता है आने वाले वक्त में मैं उसको जरूर पूरा करूंगी। बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा, आपका प्यार जरूर देते रहिएगा। और आप लोगों को पता ही है, ये तो मुझे बताने का जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेती हूँ, यहाँ पे मतदान कब है जरा बताइए, कब है? 20 मई को। पीछे में मेरी महिलाएं दीदी है, जरा बताइए कि इस बार आपका मतदान यहाँ कौन सी तारीख को है? 20 मई को। महिलाएं मेरी